दोस्तों 33,000 शिक्षकों की बहाली को लेकर यहाँ पे जो है एक न्यूज़ जो है आज की न्यूज़पेपर में यहाँ पे प्रकाशित की गई है, जिसमें कि हाई स्कूल और प्लस टू के शिक्षक के पद के लिए जो है 18 अगस्त से आवेदन मांगे हैं। तो यहाँ पे जो है हाई स्कूल और जो प्लस टू स्कूल सोचे हैं इसमें जो है शिक्षक के पद के लिए 18 अगस्त से जो है यहाँ पे आवेदन मांगे हैं। तो चलिए क्या खबर है पूरी डिटेल्स यहाँ पे जो है इस वीडियो में देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो प्रकाशित की गई है हाई स्कूल व प्लस टू शिक्षक पद के लिए आवेदन 18 अगस्त से, तो जो बिहार के जितने भी हाई स्कूल व प्लस टू के जो स्कूल से इन सभी में जो है शिक्षक के पद के लिए जो है 18 अगस्त से आवेदन यहाँ पे मांगे गए हैं। तो चलिए आगे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि यहाँ पे जो प्रकाशित की गई है, शिक्षा विभाग ने छठे चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 33,000 से अधिक शिक्षकों की चल रही वर्तमान नियोजन प्रक्रिया पुनर्निर्धारित की गई है। शिक्षा विभाग ने नया शेड्यूल जारी किया है। इसके अनुसार 17 अगस्त से 18 सितंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। तो यहाँ पे 17 अगस्त से 18 सितंबर तक जो है इसके आवेदन लिए जाएंगे। जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन किए हैं उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। नियोजन इकाइयां काउंसलिंग का शेड्यूल के बाद घोषित करेंगे। शिक्षा विभाग ने ऐसा पटना हाईकोर्ट के विभिन्न आदेशों के आलोक में किया है। अधिसूचना में नियुक्ति प्रक्रिया 10 दिसंबर तक पूरी कर लेने की बात कही गई है। तो यहाँ पे जो है इसको नियुक्ति की जो प्रक्रिया है पूरी प्रोसेस जो है 10 दिसंबर तक यहाँ पे पूरी कर ली जाएगी। ये जो है पटना हाईकोर्ट के द्वारा यहाँ पे जो है आदेश दिया गया है, ठीक है। तो ये जो भर्ती यहाँ पे निकाली जाएगी 33,000 शिक्षकों के पद के लिए, जो कि बिहार के जितने भी सारे जो हाई स्कूल्स हैं या फिर जो प्लस टू स्कूल्स हैं इन सभी में जो है 33,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए जो है 17 अगस्त से जो है 18 सितंबर तक जो है इसके आवेदन यहाँ पे मांगे गए हैं। तो अगर आप शिक्षक के पद पर अगर आप सेवा करना चाहते हैं, अगर आप टीचर्स के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं बिहार के किसी भी हाई स्कूल्स व फिर प्लस टू स्कूल्स में, तो आप 17 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक जो है जो इसकी आवेदन यहाँ पर लिए जाएंगे आप उसमें जो है बिल्कुल जो है इसके लिए आवेदन दे सकते हैं।